हरदा में पिछले दिनों नहर किनारे मिली लाश की होती सुलझाने में पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। हरदा जनपद अध्यक्ष रेवा पाचील का पति ही इस मामले में कातिल निकला है। जम्फर की बैटरी चोरी के शक में मारपीट के दौरान मृतक अनिल माणिक की जान गई थी और हत्या को एक्सीडेंट साबित करने के लिए ये षड्यंत्र रचा गया था। हरदा 9 दिसंबर को भुवनखेड़ी ग्राम कोटवार ने पुलिस को सूचना दी कि बड़ी नहर के पास एक युवक पड़ा है, जिस पर पुलिस मौके पर पहुंची और लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और मृग कायम कर जांच शुरू कर दी। मृतक की कॉल डिटेल के माध्यम से पुलिस अपराधी तक पहुंच गई। अपराधी हरदा कांग्रेस समर्थित जनपद पंचायत अध्यक्ष रेवा पटेल का पति धर्मेंद्र पटेल निकला, जो कि कृषि मंत्री कमल पटेल का दामाद है। पुलिस ने धर्मेंद्र पटेल, संदीप गुर्जर, ऑटो चालक जाहिद के खिलाफ धारा 302, 201, 34 और SC/ST एक्ट के तहत मामला दर्ज कर जांच में लिया। आपको बता दें कि मृतक अनिल माणिक आरोपी धर्मेंद्र पटेल का ड्राइवर था और उसका डंपर चलाता था। एक माह पूर्व ही मृतक ने धर्मेंद्र पटेल की नौकरी छोड़ी थी। धर्मेंद्र पटेल के डंपर की बैटरी चोरी हो गई थी, जिसके शक में धर्मेंद्र पटेल ने संदीप गुर्जर के माध्यम से अनिल माणिक को बुलाया और घर ले जाकर क्रिकेट के बल्ले से मारपीट की, जिससे उसकी जान चली गई। लाश को ठिकाने लगाने के लिए जाहिद खान के ऑटो में बैठाकर धर्मेंद्र पटेल के खेत में ले गए और तीनों ने योजना बनाकर धर्मेंद्र पटेल ने मृतक का मोबाइल और सिम भुनांस बड़ी नहर में फेंक दिया और लाश को भुवनखेड़ी रोड पर फेंक दिया और डंपर लाश की साइड से निकल कर ले गए, जिससे एक्सीडेंट प्रतीत हो और अपने घर के चले गए। पुलिस ने जांच के बाद संदीप गुर्जर को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया और 2 दिन की रिमांड पर लिया है। वहीं मुख्य आरोपी धर्मेंद्र पटेल और ऑटो चालक जाहिद अभी भी फरार है। देखिए, 9 दिसंबर की सुबह एक डेड बॉडी मिली थी भुवनखेड़ी रोड पर, जो हरदा से करीब 12 किलोमीटर दूर है। वहाँ पर जो डेड बॉडी मिली थी, तो उस पर प्रथम दृष्टया एक्सीडेंट को बताया गया कि एक्सीडेंट है, लेकिन मृतक के पास से जो उसका मोबाइल था, उसकी वो मोबाइल नहीं मिला। तो हमने उसके मोबाइल की जब कॉल डिटेल्स निकाली तो हमें पता चला कि 8 तारीख की शाम को मोबाइल बंद हो गया है। 9 तारीख की सुबह जबकि घटना है, तो हमें शंका हुई कि भाई 9 तारीख यदि एक्सीडेंट होता तो 9 तारीख तक ही मोबाइल चलता। 9 तारीख तक मोबाइल नहीं चला तो हमने जो इसके कॉल डिटेल्स में जो जिन लोगों से बात करी, उन सबको बुलाया, उनसे पूछताछ करी, तो एक व्यक्ति संदीप गुर्जर है, उसने बताया कि धर्मू पटेल को इस बैटरी चोरी करी थी मृतक ने, तो उसे बैटरी बरामद करनी थी, तो उसने क्रिकेट के बैट से उसे मारा था, उसके कहीं अंदरूनी चोट आ गई और ये इन्होंने ऑटो को भी बुलवाया, ऑटो चालक से कहा कि इसको हॉस्पिटल ले चलो। तो इन लोगों ने जब देखा कि ऑटो में ही दम तोड़ दिया तो ये घबरा गए। ये तीनों लोग, जिसमें संदीप गुर्जर जिसने साथ दिया इसका, ऑटो चालक जिसने रात भर इसको खेत में रखा, और धर्मू पटेल, तो इन धर्मू पटेल ने डंपर इसके साइड से चढ़ा दिया ताकि ये लगे कि एक्सीडेंट हुआ है। तो इसमें 3 आरोपी हैं और तीनों आरोपी को में से एक आरोपी संदीप गुर्जर ने उसको अरेस्ट कर लिया है और धारा 302 201 हमने लगाई है और बाकी चीज़ें बरामद करनी है, जैसे डंपर है और मोटरसाइकिल है, ऑटो है और इसका मोबाइल है मृतक का। मुख्य आरोपी कौन है? मुख्य आरोपी धर्मू पटेल है और बाकी लोग उन्होंने साथ दिया उसका। सर, इसमें आरोपियों की गिरफ्तारी कितनी हुई? अभी एक ही हुई है, संदीप गुर्जर की। सर, धर्मेंद्र पटेल कौन है? धर्मेंद्र पटेल जो है रेवा पटेल है, उन जनपद पंचायत अध्यक्ष कांग्रेस से हैं, उनके पति हैं। हरदा से अखिलेश मालवीय की रिपोर्ट।